के अंदर पाकिस्तान का असर कहाँ से आ रहा है, मतलब लाठी चार्ज कर दिया है परग ने और सैमसंग ने, जयपुर के लोगों के अंदर अलग ही खुशी आई हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो ब्लॉग है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स एंड राजस्थान रॉयल्स का। भाई कुछ भी है लेकिन तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? जो खतरनाक जायसवाल ने छक्का मारा है ना, आप जरा इस बंदे की यार या हिटिंग पावर चेक। और भाई जायसवाल और संजू सैमसन खेल रहे हैं। जायसवाल और मतलब हमने तो बहुत देखा। हाँ पूरा हमने टेस्ट में देखा। यार ये क्या हुआ, कौन गया? बात करते ही अरे हाय यार, जायसवाल को तो देखना था। बात करते ही गया भाई, जायसवाल आउट हो गया है। लो भाई पांच बॉल पे ट्राई लिया यार, बल्ले की यहाँ पर बॉल आ रही थी, उसको जाहिर है वो उसको खड़ा ही होना था यार। कल देखो ना कहाँ आई है बॉल, यूं उड़ गई बल्ले से, उड़ गई और ये इजी कैच पकड़ लिया है। इतना खूबसूरत पीछे का छक्का मारा, उसके बाद इस तरह से आउट हो गया। दो विकेट गिर चुकी है राजस्थान रॉयल्स वालों की और 49 रन है। और लेकिन अभी भी देखो, हमेशा जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है ना, शुरू के विकेट गिरती है और बीच का कोई पांचवा छठा खिलाड़ी अच्छा खेल जाता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अभी राजस्थान रॉयल्स मुश्किल के अंदर है। अब आप बताएं दोनों में से किसको सपोर्ट कर रही हूँ? वैसे आपको राजस्थान ही पसंद है। मैं तो अभी देख रही हूँ, इसके बाद अगला जो मैच हाँ, उसका तो खैर मोस्ट अवेटेड मैच है रोहित शर्मा का, वो देखने वाला मैच है। अच्छा भाई, मम्मा तो रोहित शर्मा की साइड, इसलिए मम्मा रोहित शर्मा वालों का ही वेट कर रही है। जायसवाल की विकेट के बाद थोड़ा सा पहले स्लो हो गया राजस्थान, अब थोड़ा सा तेज खेलने की तरफ जा रहा है। और तुम ये क्या बोलोगे मैं जयपुर का स्टेडियम देख के? अबे भाई यार ये तो स्टेडियम, एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, हर मैच में क्राउड है। मतलब अभी तक चार मैचेस में देख रहा हूँ, चौथा मैच है, एक मैच भी ऐसा नहीं रहा कि जिसमें मतलब कोई कुर्सियां खाली दिखे मुझे। ये इंटेंट चाहते हैं यार हम पीएसएल से, जो पीएसएल में भी हो जाए भाई। बात कर ही रहे थे, खत्म ही रखा ही था कैमरा, रिकॉर्ड दे दिया भाई। अब स्कोर का लेवल हो गया, हम जब से यही बोल रहे थे संजू सैमसन कितना स्लो खेल रहा है। हो गए 9/84, बैक टू बैक दो छक्के मार दिए, जान लाठी चार्ज कर दिया है परग ने और सैमसन ने, मैं आपको बता रहा हूँ, छक्के मार रहे हैं, छक्कों से नीचे बात नहीं कर रहे। 102 हो गया स्कोर, अच्छा हो गया है। जयपुर के अंदर हो रहा है ना, जयपुर के लोगों के अंदर अलग ही खुशी आई हुई है, क्योंकि इनका होम ग्राउंड है। हाँ और ये बात बता दूं मैं आपको, ये कीपर वर्सेस कीपर हो रहा है। अच्छा, राहुल भी कीपर है और ये भी कीपर है सैमसंग भी, तो ये कैप्टन वर्सेस कैप्टन भी और कीपर वर्सेस कीपर भी। ये आईपीएल के अंदर पाकिस्तान का असर कहाँ से आ रहा है? कल भी एक कैच ड्रॉप हुआ था 49 पे, मेरा ख्याल परग था ये, सैमसंग ही था, परग था ये, परग का कैच ड्रॉप हो गया है। और बहुत कोई सिंपल कैच था यार, कोई भी इतना बॉल इतनी अच्छी तरीके से खड़ी हो गई थी, पकड़ सकते थे, जज नहीं कर पाया कि बॉल आ गई। नवीन से था डर और नवीन ने ले ली है विकेट, डर की बात नहीं है यार, परग चले गया। उसने पहला छक्का प्रॉपर मारा, दूसरे छक्के पे टाइम भी मैच नहीं हुआ, ये देखो ना गलत टाइमिंग, सिंपल कैच, सिंपल कैच भाई। ये पार्टनरशिप टूटी है और अगर ये पार्टनरशिप नहीं बनती ना तो शायद राजस्थान रॉयल्स बहुत कम स्कोर पे ऑल आउट हो जाता, बहुत कम स्कोर पे। अभी संजू सैमसन खड़े हुए, ठीक है 50 उनकी हो चुकी है और वो अभी भी क्रीज पे मौजूद है। भाभी तुम बताओ कि इंडिया में राजस्थान रॉयल्स की ज्यादा फैन फॉलोइंग है या लखनऊ की है? यार राजस्थान रॉयल्स की मेरे हिसाब से ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लखनऊ की भी एक अलग फैन बेस है। तो ये जो लखनऊ को ये पसंद इसलिए नहीं कर रहा राहुल की वजह से? नहीं ऐसी बात नहीं है ये, हर चीज की एक फैन फॉलोइंग और एक मतलब राजस्थान रॉयल्स के साथ ना इमोशंस जुड़े हुए लोगों के, मेरा मुझे जहाँ तक नॉलेज है इस चीज। और भाई जाते जाते भी मार दिया भाई, सेकंड लास्ट बॉल पे मार दिया सिक्स। आज इस बंदे ने बताया है कि कप्तानी इनिंग्स इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा स्कोर दे दिया है ना भावे, क्या बना पाएगी लखनऊ इतना? मुझे लग रहा है आखिरी बॉल में ट्राई करेगा। 94 रन का विन दिया है राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को। अब केआर राहुल के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि उनको भी कोई इसी तरह की इनिंग खेलने वाला बंदा चाहिए या फिर खुद ऐसी इनिंग खेल ले। एक और गया और भाई एक और गया, क्विंटन डिकॉक भी गया था, बहुत अर्ली विकेट्स हो गई हैं ये, और ये तो 20 की गिल्ली उड़ा दी ट्रेंट बोल्ट ने भाई, बोल्ट कर दिया ट्रेंट बोल्ट ने, बोल्ट कर दिया। पदिक्कल भी गया, अब राहुल अकेला क्या करेगा? राहुल तो वैसे थोड़ा सा स्लो ही खेलता है, राहुल को खुद अब वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी जो अभी संजू सैमसन ने कप्तानी इनिंग खेली है, या फिर कोई एक ऐसी विकेट पार्टनरशिप जैसे राजस्थान रॉयल्स ने की थी, सही है परग ने और संजू सैमसन, ऐसी होनी चाहिए क्योंकि देखो 10 मतलब रन पे दो विकेट गिर गए हैं विकेट से यार, ये बहुत प्रेशर आ जाता है वरना बैटिंग साइड पर अगर अर्ली विकेट्स हो जाती है, और जब आप 194 के टारगेट चेस करने जाते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कलर से जर्सी के कलर से मिलती जुलती चीज लाया हूं, ये देखो आप, और राजस्थान जीत भी रही है भाई, लाल लाल तरबूज खा के दिखाओ अभी रोजा यार क्या हो गया क्या हिसाब मिला तरबूज है, और ये है 500 रुपए का सिर्फ एक दाना, 500 रुपए का एक दाना इतना सा, लेकिन अंदर से आप देखें फुल लाल है,
अच्छा हम आवे हुडा भी आउट हो गया है, केएल राहुल अकेला बेचारा, राहुल के वर्ल्ड कप वाला सीन कर रहा है कि वर्ल्ड कप में भी रुक गया था लेकिन कुछ करके नहीं गया। अबे भाई कुछ करे तो सही, 22 रन बनाए हुए 21 बोलो पे भाई, बैक टू बैक बाउंड्रीज आ गई, एक छक्का और दूसरा चौका, क्या सीन चल रहा है। अब ये राहुल भी स्टार्ट हो गया है मारना, अब हो सकता है टारगेट चेज हो जाए, लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ राजस्थान रॉयल्स के पास अभी भी चांस है, उनके मैच फेवर में जा रहा है। भाई केएल राहुल का भी विकेट हो गया है और इस विकेट का इंतजार था मुझे तो नहीं राजस्थान के बॉलर्स को, क्योंकि ये बंदा शुरू में तो थोड़ा स्लो खेल रहा था कंडीशन के हिसाब से, लेकिन जब एंड में मारने के लिए गए तो फिर थोड़ा सा कैच आउट हो गए, इस तरफ वाला शॉट मारने के चक्कर में लेकिन थोड़ा सा तेज खेलना था तो हाथ में आ जाता मैच। अब खेलना चाहिए था तेज, उन्होंने जो मारने के लिए गए ना इसी वजह से गए क्योंकि 21 बोलों पे 47 रह गए थे, कब मारते। खैर अभी भी स्टोइनिस एक ऐसा बैट्समैन है ना मेरे भाई जो ये मैच पलट सकता है, जिस तरह से रस्सी का बोल रहा था और क्लासिंग का बोला था, मैं आज इसका भी बोल रहा हूँ ये मैच पलटने वाला बंदा स्टोइनिस। जीत गया राजस्थान रॉयल्स, जीत गया ये बात अब मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, 6 विकेटें हो गई हैं, मार्क स्टोइनिस भी गया भाई जिसका मैंने प्रेडिक्ट किया था। देखो इस तरह से जितवाता हूँ मैं टीमों को, ठीक है इस तरह से जितवाता हूँ, बड़ा ही खूबसूरत टर्न गौरव जुरैल का। अब तुम जितवा रहे हो गुजरात को, अरे भाई अभी तो छोड़ दो, अभी उसकी तो मैं बात ही करना नहीं चाह रहा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, राजस्थान को जीटी वर्सेस MI, इतिहास का दिन है आज, इतिहास बदलेगा आज।